और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। मरना क्या भोसड़ी के खोपड़ी तोड़। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके, क्या कहते हैं उधर जो है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कुल का कोई भी व्यक्ति मांस खाता ही नहीं। अच्छा, इन दुष्ट बुद्धि के लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे? नहीं, नहीं मानता। ये मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोको जागर। मजा आया। राम का कोई ऐसा, कोई मुझे तो नहीं वर्ड है राम, कोई ऐसा एक आम सही वर्ड है कोई इसका। भोसड़ी के मोहतर चौथ श्री श्री छत्रपति छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज की जय। महाराज की जय। राम 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 जय श्री राम जय श्री राम ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। मजा आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के, सारे धर्म की जात के मंदिर हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। क्या सोच है रे तेरी? मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो वरना देश बर्बाद होने वाला। गाड़ी स्टार्ट कर। भीम आर्मी के चीफ ने बोला कि श्री राम जो है मांस खाते थे, यानी कि 14 साल वनवास किया, उसके आधार पे जो है श्री राम जो है वन में मांस काट काट के खाते थे। भाई भीम आर्मी के चीफ का जो है बयान सुन के आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ कि दुबई शेख ने श्रीराम बोल के जो है सबको चौंका दिया है, और इसमें पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दिए हैं, वो भी बड़ी क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दुबई शेख जय श्री राम कैसे बोलते हैं, पहले आप इनकी बड़ी क्लिप देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा कैसे जो है दुबई शेख ने जय श्री राम बोल के सबको चौंका दिया है, लेकिन इसी बात को पाकिस्तान इतना सीरियस ले लिया है, और उनका रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं और इनकी इनकी बातों को लेकर जो है क्या सोचते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहाँ की वीडियो क्लिप देख लेते हैं, वहाँ का रिएक्शन देख लेते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है। सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके, क्या कहते हैं उधर जो है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था जो है, मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। नहीं जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो है। ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम? ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेख होगा कि हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए, हालांकि सऊदी के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन, जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे आपको पता। I don't know. सारे शेख भी इसमें मौजूद हैं और सारे इंडियंस भी मौजूद हैं, हिंदू लोग भी मौजूद हैं। बेसिकली वहाँ पर दुबई में एक ओपनिंग की गई है, टेंपल बनाया गया है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई, और टेंपल बहुत खूबसूरत करके बनाया गया है, ठीक है। उसके ओपनिंग में जो शेख थे वो खुद बाकायदा मौजूद है, और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज़ हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हम इत्तेजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। मरना क्या भोसड़ी के? जांच करने से क्या होगा? यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं हमने देखे जी, आजकल आपको पता है सारा पैसे को इस्लाम है, ठीक है, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, ठीक है, हम आप खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा कॉपरेट करें ताकि इंडिया को स्पेस कम मिले। क्या शेख है दुबई के जय श्री राम बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए जी, बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी जुबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज रॉन्ग। अगर वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम और वो अपनी जान दे देते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, कि वी शुड नॉट गो एंड से जो वो कहते हैं। हमें कहना चाहिए ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह एक है और उसके बाद कोई पूजा के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं। हमारी सेइंग ये है, वाई शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वी शुड नॉट से इट। और अगर इन्होंने कहा तो गलत कहा, दुबई के शेख हैं, इट्स वेरी नहीं, जो मर्जी हो, शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों, मुसलमान जहाँ भी हो, ठीक है, उसका अपना ईमान है, उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें टूट फूट का शिकार है, नाउज़ बिल्ला मैं ये कहना नहीं चाहता, जलाओ गहराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया, कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है के मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात किया, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है। करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोदी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए एज अ मुस्लिम जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है आप उनको वैसे चलो अकलियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई एनओसी वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अकीदा है उसके अंदर, हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और हालांकि वहाँ पे और भी मैंने देखी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की जिसके अंदर वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एज अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इससे यह है कि अपना पूरी दुनिया में हमारा एक जो इमेज है वो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर जा रहा है। तो इन चीज़ों हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, उनको बाज़ दफ़ा ये लोग इतना प्रमोट नहीं करते जितना गैर मुस्लिम को ये प्रायोरिटी देते हैं। तो इन चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी उनका एक अच्छा डिसीजन नहीं था। अब पता नहीं इसमें क्या उनके कोई ज़ाती मुफादात या कोई कह लें कि सियासी कह लें कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं हिंदू नहीं, हर अकलियत के बारे में वो सोच रखता हूँ जो कुरान ने दिए। ज़बरदस्त, क्या सोच रखते हैं, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? इस्लाम से पहले अकलियत को किसी ने इतने हकूक नहीं दिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दिए गए। मिसाल के तौर पे एक गैर मुस्लिम और अकलियत का, अकलियत हम कहते हैं गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, तो एक अकलियत का वही उसको हक मिला इंसाफ में, अमन में, आदल में और उसके तहफ़ में, सियासी और समाजी तहफ़ में, जो है ना खलीफतुलमसलमिन को या इमाम मस्जिद को हासिल है। ज़बरदस्त, तो एक नॉन मुस्लिम का मुसलमान के साथ क्या हकूक है, क्या बातचीत है, क्या कुछ है, कुछ बताना चाहेंगे कि ताकि हमारे व्यूवर्स को जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म करते हैं या हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, ये क्या बेसिस है, किस बेस के ऊपर ये सारी बातें होती हैं, कहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है? देखिए जहाँ तक हमारे उन अकलियत बिरादरी का जो है ना ये सोच है तो ये गलत है। उसकी वजह यह कि ये तफरीक या ये नुकसान वहाँ पैदा होता है जहाँ हम शरीयत की रूह से हट जाते हैं। अगर हम इस्लाम पर अमल करें, मिसाल के तौर पर इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि इंसाफ में जो है ना मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर हैं, तो चाहे जिस किस्म का केस हो उसको गैर मुस्लिम को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा हक नहीं मिलना चाहिए, ये इस्लाम का हुक्म है। बात तो सही है। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को, ये कहता है कि जहाँ पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो? देखें कि किसी मज़हब को भी इस मज़हब पर इजाज़त नहीं देता आप उसको मार दो, पकड़ के ये कर दो वो कर दो। आपको लगता है कि अगर ये अफवाह है, ये जो बात फैली हुई है ये अफवाह है? बहुत बड़ी अफवाह है।
उसके बाद इस्लाम क्या कहता है कि हिंदुओं के बारे में उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उनसे बात कैसी करनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे आप? ना सिर्फ हिंदुओं को बीच में ना सिर्फ ऐड करें कि अकलियतों के बारे में। हाँ जी, देखिए कि जो भी मजहब है ना, जो भी मजहब इस्लाम जो कहता है ना, सबसे सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले ही बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है। सोच रे तेरी। तो आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी अपना रिएक्शन दिए हैं। भाई पाकिस्तानी कभी भी अच्छा तो बोलेंगे नहीं, उनके मन में जो बोल होता है वो बोल देते हैं, जो मन में सोचते हैं वो बोल देते हैं। भाई वो चाहते हैं कि इस्लाम जो है कहीं भी जिंदाबाद रहे, हिंदू का जो है धर्म कहीं भी जिंदाबाद ना रहे। तो आप इस मुद्दे पे क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।